ही जीवन है, पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वहीं भिवानी के एक गांव के लोग गर्मी के इन दिनों में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ताजा मामला भिवानी जिले के गांव मालवास पोहाड़ का है, जहां के ग्रामीणों को इन दिनों पेयजल की किल्लत के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वे लोग अपनी समस्या के बारे में कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, मगर हर बार आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे तो जलघर के पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर भी लगाए गए हैं, मगर वाटर फिल्टर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे। इसका बड़ा कारण ये है कि फिल्टरों की समय पर सफाई नहीं की गई और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये समस्या गांव की ही नहीं बल्कि पूरे भिवानी जिले के गाँव की है। हमने 30 साल हो गए साथ दिन और पानी की समस्या और ज्यादा बालक भी कौन ब्याई जाए पानी को समत जी। सरकार में पानी मांगा, पानी दो बढ़िया किम जीवन से बढ़िया होवे और के होया कर, पानी दो हमने फिर थारी वोट देंगे। वोट हमारी पर्ची का करा रखा है जी, काम दया कौन वोट ना पानी देंगा इतने, यह क्या बात हुई। पानी देना चाहिए ना सरकार ने भाई, बच्चे भी तिसाई मरे डांगर भी मरे, लत्ते दुकान है डांगर पीवन है और न पानी की तनी समस्या आ रही जी। पानी की समाधान करो फिर थारी वोट मिल रही, वोट नहीं। हमें काफ़ी समय से पीने के पानी की समस्या है, ये समस्या 4-5 साल से बनी हुई है। पीने का पानी या तो आता नहीं, आता है वो पीने लायक नहीं है। जब पानी आता है तो उस टाइम लाइट या तो पीछे नहीं होती या इस गांव में नहीं होती, तो इसकी सप्लाई बाधित होती है। आने जाने का ना कोई साधन है, यहाँ भाण बेटियाँ हैं वो बसों में बस आती नहीं है, टेम्पो में बैठ के जाती हैं, तो वह रास्ते में बहुत काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नंबर वन हरियाणा है, कि ये नंबर वन हरियाणा कि पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, कि ये नंबर वन हरियाणा है कि पानी की समस्या तो 1999 से बनी हुई है। इतना खराब पानी है, अब बच्चों के अब की बार तो 4-5 बच्चों को तो चेचक भी हुआ है, जो कि काफ़ी समय से चेचक से छुटकारा मिला हुआ था इंडिया को। खसरा, चेचक, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां बच्चों को होती रहती हैं। पीने का पानी तो पशुओं के लिए भी नहीं है, कुछ हमने अपने स्तर पर थोड़ी व्यवस्था कर रखी, जो पीने जमीन का जो पानी है वो काफ़ी खराब है, उसी से हमारा काम चलाते हैं। या देखते हो आप लेडीज इतना गंदा पानी है, आप उसमें जीव जंतु इतनी सारी गंदगी है ना। कई बार अवगत कराया है, सरपंच साहब भी गए हैं, इससे पिछला सरपंच भी गया है, हम भी गए हैं, सारा गांव भी उनके उनके हाजिर हो गया है। उनको कहे अभी लाइट उपलब्ध कराओ, आप पानी उपलब्ध कराओ, तो वो जैसे खारा पूरा करके 1-2 दिन तो करते हैं, बाद में वही स्थिति पहले जैसी स्थिति हो जाती है। वही जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सुभाष से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही पानी की इस समस्या के समाधान की बात कही। जो पीने के पानी की है गाँव में और शहर में, उसका एक मेन कारण तो ये है कि हमारा नहर का जो सिस्टम था पहले 4 ग्रुप में था, अब सरकार ने 5 ग्रुप में कर दिया, कुछ कम होने की वजह से तो पीरियड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी 1 हफ्ते के लिए काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरा, गर्मी सीजन में है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, लोग कूलरों में पानी डालते हैं, उसकी वजह से भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो समस्या भी आ जाती है। उससे तो यही अपील करना चाहता हूँ कि पानी वेस्ट ना करें, बस वेस्ट अगर रुक जाता है तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, हम सफिशेंट पानी देते हैं, जैसे नालियों में बहा देते हैं, थोड़ा सा कम यूज़ कर लें, वॉशिंग में थोड़ा कम यूज़ करें, जिनके पहुँच जाता है वो तो अपने टेप लगा लें, टेप लगाने से लास्ट टेल एंड तक ये पानी पहुँच जाएगा, कोई समस्या नहीं। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।